हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करने वाले हैं इवेंट लिसनर्स की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इवेंट लिसनर होते क्या हैं और इनको हम कैसे बाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम आते हैं पेज पे और समझते हैं कि इवेंट लिसनर होते क्या हैं। जैसे कि हमारा कर्सर है, अगर हम यहाँ से इसको यहाँ मूव कर दें तो ये एक इवेंट हो गया। अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्लिक इवेंट हो गया। अगर हम यहाँ पे इनपुट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगता है तो ये हमारा इनपुट फोकस इवेंट हो गया। और इसको अगर हम बाहर क्लिक करें तो ये इनपुट के लिए ब्लर इवेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पेज में कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्लिक इवेंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और इवेंट होगा, अगर हम बटन के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पर माउस ओवर इवेंट हो जाता है। और ये अगर हम बटन से हटाते हैं इस कर्सर को तो ये हो जाएगा माउस लीव। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस विंडो को रिसाइज करें, ये हमारी जो विंडो है, ये हमारा जो ब्राउज़र है, इसको अगर हम रिसाइज करें, छोटा करते हैं पहले, ठीक है, और इसको अगर हम रिसाइज करते हैं तो यहाँ पे इवेंट होगा विंडो डॉट रिसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे एक इवेंट होगा कि हमारी विंडो जो है वो रिसाइज हो रही है। तो इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट होते हैं, इनको हम देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो अगर आप विंडो में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, ऑन इनपुट हो रहा है, ऑन की प्रेस हो रहा है, की अप हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स होते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे इवेंट ऐड करने के तरीके देखते हैं। तो इवेंट ऐड करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पे इवेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं बटन पे क्लिक हो तो कोई फंक्शन चलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे ऑन लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से इवेंट होते हैं। ऑन चेंज होता है, ऑन कैन प्ले, ऑन ब्लर, ऑन अबॉर्ट, ऑन प्ले। ऑन प्ले जब आप कोई वीडियो प्ले करोगे या फिर आप कोई वीडियो पॉज करोगे। ठीक है, ऑन सीक जब आप कोई वीडियो बढ़ाते हैं आगे घटाते हैं, तो वीडियो के लिए भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। ऑन सबमिट हो गया, ऑन सेलेक्ट हो गया, ऑन स्क्रॉल्ड हो गया, ऑन रिसाइज हो गया, ऑन रिसेट, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं। ठीक है, तो सब आप ऐड कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक लगाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक और सभी कुछ स्मॉल में रहेगा। और यहाँ पे आपको देना है फंक्शन का नाम, जैसे कि मैंने दे दिया माई फन। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पे करना होता है कॉल। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बनाते हैं फंक्शन माई फन, यहाँ पे ब्रैकेट्स और यहाँ पे इस तरीके से, और इसमें हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग क्लिक कॉल्ड। ओके, चलते हैं ब्राउज़र में और वापस से करते हैं इंस्पेक्ट और यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्लिक इवेंट जो है ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमें इनपुट में कोई भी इवेंट ऐड करना है, यहाँ पे जैसे हमें ऑन फोकस लगाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन फोकस और इस पर हम चलाते हैं इनपुट फोकस फंक्शन, हम बना लेंगे फंक्शन इनपुट फोकस। इसमें भी कंसोल डॉट लॉग ऐड करते हैं और यहाँ लिख देते हैं फोकस्ड। ओके, तो जब भी आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे फोकस्ड वाला इवेंट चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लर इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। आप एक एलिमेंट पे मल्टीपल इवेंट जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्या करना है, ऑन ब्लर इवेंट ऐड करना है, तो हमने यहाँ लिखा ऑन ब्लर और इसके लिए इनपुट ब्लर करके हमने एक फंक्शन बना लिया। और यहाँ से क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इनपुट ब्लर, और यहाँ पे हमने कंसोल ऐड किया कंसोल डॉट लॉग ब्लर। ओके, वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये फोकस हुआ और बाहर हमने क्लिक किया तो ये क्या हो गया, ब्लर हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट होते हैं। और ठीक है, तो ये हमने कुछ इवेंट देखे यहाँ पे। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे इवेंट ऐड कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट से ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले आईडी दे देते हैं कुछ, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में इनको हमें फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम इस पर इवेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया बटन और इस पर कोई इवेंट आईडी दे दी, लाइक सेम इनपुट। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको सब हटा या फिर आप बना रहने दीजिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बटन पे इवेंट ऐड करते हैं, तो हमें बटन को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो बटन को फाइंड करने का तरीका ये है कि आप वेरिएबल बनाइए और यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया बटन एलिमेंट, और इसको फाइंड करने का तरीका
आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, क्योंकि हमने बटन को क्या दे रखी है, आई डी दे रखी है, और यहाँ पे हम पास करेंगे बटन की आई डी। सो बटन की आई डी, ये बटन आप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे बटन वन हो गया, या फिर यहाँ बटन वन पास करना पड़ेगा, तो इससे हमें बटन एलिमेंट मिल जाएगा। अब जो हमें बटन एलिमेंट मिला है इसके ऊपर हमें लगाना है इवेंट, ठीक है। तो इवेंट लगाने का तरीका क्या है, हम यहाँ लिखेंगे बटन एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। आपको इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा ऐड इवेंट लिसनर। इसके बाद में इसके अंदर आपको दो आर्गूमेंट पास करने होंगे, पहला आर्गूमेंट कि आप कौन सा इवेंट ऐड करना चाहते हैं, और दूसरा आर्गूमेंट आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन सबसे पहले हम पास करते हैं, यहाँ लिखते हैं फंक्शन, तो ये हमारा अनोनस फंक्शन हो गया। तो बेसिकली होगा क्या, जब भी आप यहाँ कोई इवेंट लगाओगे, जैसे मैंने क्लिक इवेंट लगा दिया, ठीक है, तो जब भी क्या होगा, इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, इस बटन के ऊपर, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलने वाला है, ठीक है। ये जो फंक्शन हमने सेकेंड आर्गूमेंट में पास किया, और इसको कहते हैं कॉल बैक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिखते हैं बटन क्लिक्ड। ओके ओके, तो अभी इस कोड को चलाते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए हमने बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ क्या लिख के आ रहा, बटन क्लिक्ड, मतलब कि हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो चल गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं, तो हमारा फंक्शन का नाम माई फन है, आप ये कोड हटा दीजिए और यहाँ पर सीधे फंक्शन का नाम दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से वापस आते हैं, आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लिक कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कंसोल किया हुआ है। तो ये चलना चाहे तो आप ये कर दीजिए, या फिर आप दूसरा तरीका जो हमने अभी कॉल बैक वाला फंक्शन के थ्रू बताया था वो भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके सेम है। अगर हमें क्या करना है, इनपुट के ऊपर लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब इनपुट को फाइंड करना पड़ेगा, कॉन्स्ट इनपुट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, और यहाँ पर हम देंगे आई डी लाइक इनपुट, ये जो हमारी आईडी हो गई, इसमें हमें इनपुट एलिमेंट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनपुट एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और कौन सा इवेंट, हमें फोकस इवेंट ऐड करना है, तो यहाँ फोकस, और यहाँ पे फिर कॉल बैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोकस मेथड का नाम दे सकते हैं डायरेक्टली। तो जब भी क्या होगा कि इनपुट पे फोकस होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। वापस से चलते हैं, यहाँ पे देखिए फोकस किया तो फोकस यहाँ पे कंसोल हो रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्लर इवेंट भी ऐड कर सकते हैं, तो इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लर इवेंट हम ऐड कर सकते हैं, और इस पर कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, इनपुट ब्लर चलना चाहिए। वापस से चलते हैं, यहाँ पर फोकस हुआ, ब्लर हुआ, फोकस हुआ, ब्लर हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इवेंट ऐड कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, जब कोई आप एलिमेंट क्रिएट करेंगे यूजिंग क्रिएट एलिमेंट, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इवेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट किया यहाँ पे, कॉन्स्ट कौन सा एलिमेंट, डिव क्रिएट कर लेते हैं एक, ठीक है। और डिव में हम क्या करते हैं, लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक div क्रिएट किया, ठीक है। और इसकी हम कुछ विड्थ एंड हाइट सेट कर लेते हैं, या फिर छोड़ो अभी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट रखते हैं, तो div डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू div एलिमेंट, इसमें कुछ हमने टेक्स्ट रख दिया। अब हमें इस div के ऊपर इवेंट ऐड करना है, तो हम लिखेंगे div डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसा हम एलिमेंट को फाइंड करते थे। और यहाँ पे हमें क्लिक इवेंट लगाना है, या फिर हमें कौन सा इवेंट लगाना है, ओवर इवेंट लगाना है, ओवर, ठीक है। तो माउस ओवर, आई गेस माउस ओवर होता है, हाँ, हम लिखेंगे माउस ओवर, ठीक है। इस पर क्या होगा, एक कॉल बैक चलेगा, तो हमने यहाँ लिखा फंक्शन, और यहाँ पे जब भी क्या होगा, इस डिव के ऊपर माउस जाएगा, जो भी हमने नया डिव बनाया है, तो उसमें क्या होगा, ये वाला इवेंट चलने वाला है। तो इसमें कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डिव ओवर्ड, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा करेंगे।
तो अभी क्या है, ये डिव हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना तो रखी है, बट हमने इसको अपेंड नहीं किया है बॉडी में, तो इसको अपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें अपेंड कर देंगे जो भी हमने डिव क्रिएट किया है। चलते हैं, यहाँ पे डिव आ चुका है, और जब भी आप इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे देखेंगे डिव ओवर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका कि हम इवेंट को कैसे ऐड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो वो कोशिश मैं करूँगा कि उस पर अलग से वीडियो बनाऊँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।